Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम बना रहे हैं चिकन एंड स्पिनच कड़ी, ठीक है, लेकिन पहले हम बना रहे हैं कैरेट एंड डेट केक। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, देखते रहिएगा किस तरह मैं ये बनाऊँगी और हम बिल्कुल फॉलो करिएगा पूरी रेसिपी। तेल है इसमें और खजूर और अखरोट है, शहद है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, वेनिला एसेंस है, दालचीनी का पाउडर है, मैदा है और ये गुड़ है। गुड़ को हमने कूट दिया है, ठीक है, और अंडे हैं एंड कैरेट्स ग्रेटेड। तो रेसिपी ज़रूर फॉलो करिएगा और बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम डाल देते हैं इन आर फ्लावर, ठीक है। फिर अंडों में हम वेनिला एसेंस डाल देते हैं और ये सारी चीज़ें झटपट बना लेते हैं। पहले अंडे जाएंगे और उनको आप बीट कर लीजिए। फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे, जैगरी है गुड़, ठीक है, चॉप करके। तेल जाएगा, शहद, हायर का बिल्ट इन अवन हमने प्री हीट कर दिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दालचीनी को भी मैं डाल दूँ इसके साथ, ठीक है। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दालचीनी। गाजर जाएंगे अब ग्रेट करके। रेसिपी एग्जैक्टली फॉलो करिएगा, स्पेशली बेकिंग में कोई 19-20 का आप चेंज नहीं लाइएगा, ठीक है। स्पेशली अज्जा में, अज्जा मेजर करके यूज़ करिएगा। फिर आप इसमें अखरोट शामिल करिए, खजूर डालिए बीज निकाल के, और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी का पाउडर। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए और बेक करने रख दीजिए। बेक हो जाएगा तो आइसिंग शुगर मेरे पास यहाँ है, उसको हम ऊपर से छिड़केंगे। दैट्स इट, मज़ेदार सी रेसिपी रेडी यूजिंग हायर्स बिल्ट इन अवन। अपने घर के लिए, किचन के लिए कोई भी अप्लायंस आप ढूंढ रहे हो तो हायर इज़ द नेम, ज़रूर खरीदिएगा और ये सारी रेसिपीज़ भी हमसे सीखिएगा, बनाइएगा। और फ्राइडे को 6 बजे ट्यून इन रखिएगा मसाला टीवी और देखते रहिएगा मेरा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो और मसाला टीवी। बहुत सारे एपिसोड्स अभी बाकी हैं तो देखते रहिए। ये शो रात में 10 बजे रिपीट होता है। चलिए, नाउ आई विल ब्रिंग द डिश। थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दीजिए ब्रश के साथ इसको। बहुत सारा बैटर है इसमें,
बड़े डिश में मैं इसको बेक कर रही हूँ ताकि ऐसे फैला हुआ हो तो जल्दी हो भी जाए। अच्छी तरह स्क्रेप कर दीजिएगा, बोल में से सब कुछ निकाल दीजिएगा और बेक। ओके जी, सो अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे, ज़रा क्लीन अप करेंगे, तब तक कैरेट एंड डेट केक बेक हो चुका होगा और फिर हम आएंगे स्पिनच एंड चिकन कड़ी की तरफ। तो देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब मैं थोड़ा सा तेल यहाँ डाल देती हूँ, उसको गर्म करते हैं और फिर प्याज को फ्राई कर देते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं हायर का हॉब, 3 बर्नर्स इन अ रो, ब्रास के बर्नर्स हैं, बेहतरीन चूल्हा है, सेफ़ एंड स्मार्ट हॉब। और ये कांच है, टेम्पर ग्लास है, आसानी से साफ़ हो जाता है। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अप्लायंसेस फॉर योर होम, फॉर योर किचन, हायर इज़ द नेम। ओके जी, मैं सोच रही हूँ इस वाले चूल्हे पर कर दूँ। अच्छा जी, इसमें क्या क्या अज्जा हैं? तेल मैंने डाल दिया है, प्याज चले गए हैं, चिकन बोनलेस क्यूब्स कर दिए हैं, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, इलायची पाउडर है, ज़ीरा साबुत है, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, पालक धो के साफ़ करके यहाँ रख दी है काट के, और टमाटर है चॉप किया हुआ, दही और बेसन को फिर हम एंड में डालेंगे। सो यस द दही, और इसमें हमने बेसन डाल दिया यानी ग्राम फ्लावर। जब तक प्याज हमारी हो रही है इसको मिक्स करके रख देते हैं। ये आइसिंग शुगर है, केक पे ऊपर छिड़केंगे। केक मैंने रख दिया है कैरेट एंड डेट एंड वॉलनट केक। हायर के बिल्टन ओवन में केक बना रहे हैं। ओके जी, प्याज ब्राउन हो जाए तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे, फिर उसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और टमाटर। हल्दी जाएगी, लाल मिर्चों का पाउडर, हरी मिर्चें और छोटी हरी इलायची का पाउडर। मसालों को अच्छी तरह भूनिए टमाटर के साथ। थोड़ा सा पानी शामिल करिए, बहुत थोड़ा सा, मसाले जले ना, ठीक है। वैसे पानी मैं नहीं डालूंगी इसमें, पालक का भी पानी निकलेगा अपना, और ये मैं दही भी डालूंगी बेसन के साथ। चिकन के क्यूब्स शामिल कर दीजिए। चिकन हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे पालक और ढक्कन ढाँक के मैं इसको रख दूंगी। पालक अपने ही पानी में, इसी स्टीम में विल्ट हो जाएगी और फिर एंड में हम दही और बेसन शामिल करेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, मज़े की रेसिपीज़ हैं, झटपट तैयार होने वाली यूजिंग हायर्स अप्लायंसेस।
बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि चिकन नीचे लग ना जाए। कितनी जल्दी पालक विल्ट हो गई ये देखें, ठीक है। इसी तरह आप बनाते रहिए, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए, हायर का शो देखते रहिए। स्मार्ट एंड सेफ हॉब है ये। ये देखें चिकन भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। अब इस स्टेज पे आप इसमें दही और बेसन शामिल करेंगे। दही में मैंने आपके सामने बेसन को फेंट के अच्छी तरह डाल दिया था। ठीक है, पालक को चॉप कर दीजिएगा, अच्छी तरह धोइएगा। बस अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ आँच थोड़ी सी कम करके। केक को अभी टाइम है, केक इज नॉट डन येट। आप बोन्स वाली चिकन के साथ भी कर सकते हैं। बस इसको मैं दम पे छोड़ दूंगी और हमें थोड़े सा इंतज़ार करना होगा कि केक हो जाए। ओके जी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने केक में क्या क्या डाला था। ग्रेट किया हुआ 2 कप गाजर था, 2 कप मैदा था, छान के यूज़ करिएगा। 2 कप गुड़ लिया था मैंने, गुड़ को कूट लीजिएगा पाउडर फॉर्म में या कूट लीजिएगा, ठीक है। 1 कप वॉलनट्स थे यानी अखरोट, चॉप करके लीजिएगा, शेल्स उसके अच्छी तरह निकाल दीजिएगा। 1 कप तेल था, 1 कप चॉप किए हुए खजूर थे बीज निकला हुआ, 1/4 कप शहद था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। प्लीज़ ये वाले टीस्पून इस्तेमाल नहीं करिएगा कटलरी सेट के, हमेशा हम मेजरिंग स्पून इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग कप्स इस्तेमाल करते हैं बेकिंग में। ये छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि मैं बार बार दोहराती हूँ, दैट्स बिकॉज बेसिक बेकिंग के ये टिप्स होते हैं। ओके, फिर उसके बाद मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला था, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर डाला था, 4 अदद अंडे थे, और जब ये केक निकलेगा तो आइसिंग शुगर वहाँ मैंने रखी है, एक छोटी छन्नी के साथ उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे। ओह लवली, लुक एट द कलर, बेसन और दही के साथ एंड में आपने इसको फिनिश करना है। और ये रेडी है, अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और फिर हम इसको डिश में निकालते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हरा धनिया अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर के लिए रखेंगे, दैट्स इट। तो ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। कैरेट एंड डेट केक अज्जा, कद्दू कश गाजर 2 कप, मैदा 2 कप, पिसा गुड़ 2 कप, कटे अखरूट 1 कप, कटी खजूर 1 कप, तेल 1 कप, शहद 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, इसी दालचीनी 1.5 चाय का चम्मच, अंडे 4 अदद, आइसिंग शुगर छिड़कने के लिए। तरकीब, एक बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दालचीनी और चीनी मिक्स कर लें। अब इसमें शहद, तेल, गाजर और अंडे फेंट लें, फिर इसमें खजूर, अखरूट और वनीला एसेंस डाल के मिक्सचर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 40 मिनट बेक करके सर्व कर दें। चिकन स्पिनच करी अज्जा, तेल 1 खाने का चम्मच, बोनलेस चिकन क्यूब्स 1/2 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसी इलायची 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पालक 250 ग्राम, कटा टमाटर 1 अदद, दही 1/2 कप, बेसन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, चीनी 1/4 चाय का चम्मच। तरकीब, तेल गरम करके प्याज स्लाइस सौते करें, अब जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च शामिल करके 1 मिनट पका लें, फिर इसमें चिकन के टुकड़े डालकर ढकें और इतना पकाएं कि प्याज नरम हो जाए। उसके बाद दालचीनी, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालें, फिर टमाटर शामिल करके पकाएं, अब पालक डाल के पका लें, उसके बाद दही और बेसन शामिल करके स्टर कर लें, आखिर में चीनी और कटा हरा धनिया शामिल करके सर्व कर दें। जी आई होप आपने रेसिपी रिकैप देख लिया होगा। यहाँ हमारा केक भी हो गया है रेडी, लुक एट द लवली कलर, हायर का बिल्ट इन ओवन।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर मैं आइसिंग शुगर छिड़कूंगी। थोड़ी सी आइसिंग शुगर अंदर जज्ब हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और फिर आप स्क्वायर्स काटिए और सर्व कर दीजिए, ठीक है। सो आई होप आपने ये रेसिपी नोट की है, आप इसको बनाएंगे ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा। और स्पिनच एंड चिकन कड़ी इज़ ऑल्सो रेडी, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा। एवरी फ्राइडे, हर जुमा आप देख सकते हैं हायर का ये मज़ेदार सा शो, जिसमें ये यमी रेसिपीज़ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए और सीखिए और ट्राई करिए, हायर के अप्लायंसेस का इस्तेमाल करिए। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा। हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।